वेलकम टू अनदर जॉब रिलेटेड वीडियो इन माय चैनल। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में बहुत सारा वैकेंसी निकल के आया है एंड ये सब ग्रुप बी एंड सी पोस्ट है, तो इस महीने यानी कि अक्टूबर में अप्लाई करना है। और बहुत सारा पोस्ट है, जैसे देखिए फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एडुकेटर, कंप्यूटर रेडियोग्राफर, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, उसके बाद नर्सिंग अटेंडेंट, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड सो मेनी। सो यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए अनरिजर्व दो, उसके बाद ST1, OBC1 ऐसे करके एक हॉस्पिटल के लिए, और एक हॉस्पिटल के लिए 2, 1, 1, 1, और एक हॉस्पिटल के लिए 1 एंड 2, तो ऐसे करके बहुत सारा पोस्ट आया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, 10+2 साइंस होना चाहिए, उसके बाद 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी के ऊपर एंड उसके साथ रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए। एज देखिए 18 से 25 ईयर होना चाहिए 25 अक्टूबर के हिसाब से, क्योंकि लास्ट डेट है ये 25 अक्टूबर। सो अभी देखिए यहाँ पे जो सेंटर होगा दिल्ली में और सराउंडिंग रीजन में होगा, और अदर सेंटर भी हो सकता है लेकिन दिल्ली प्रेफरेबल, ठीक है। अभी देखिए एज जो है SC ST OBC के लिए थोड़ी जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स एंड OBC के लिए 3 ईयर्स, तो एक सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स ऐसे करके मिल जाएगा। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, सबमिशन करने के लिए लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट फीस सबमिशन के लिए वो है 26 अक्टूबर, और एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए टेंटेटिव डेट है 1st week of November, देन कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा 4th week of November, और उसके बाद रैंक जो आएगा रिजल्ट 1st week of December एंड 2nd week of December में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा। अभी देखिए ऐसे करके पोस्ट बहुत सारा आ रहा है, अगर आपका कोई हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।